राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रिय चैनल बोलती बुक्स विद अंजलि में। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बाल राम कथा का 12वां पाठ। तो आइए शुरू करते हैं राम का राज्याभिषेक। विभीषण चाहते थे कि राम कुछ दिन लंका में रुक जाए, नई लंका में, उनकी लंका में। उन्होंने अपनी इच्छा राम को बताई, उसका कारण भी। मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन यहाँ विश्राम कर लें, युद्ध की थकान उतर जाएगी। वैसे इसमें मेरा स्वार्थ भी है, आपका सानिध्य और रीति नीति सीखने का अवसर। आपने यह नगरी देखी भी तो नहीं है। राम ने लंका नगरी में कदम नहीं रखा था। सीता से मिलने हनुमान गए दो बार, अंगद गए, लक्ष्मण भी हो आए। विभीषण के राज तिलक के समय राम उस नगरी से दूर ही रहे, यह संभव नहीं है मित्र। राम ने कहा, वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए हैं, मैं तत्काल अयोध्या लौटना चाहता हूँ। भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, जाने में विलंब हुआ तो वे प्राण दे देंगे, उन्होंने प्रतिज्ञा की है। मैं उनकी प्रतिज्ञा से बंधा हूँ। विभीषण राम से अलग नहीं होना चाहते थे, उनका अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित हूँ, मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दे। राम ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, बोले, आप मेरे लिए यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार से उन्हें रत्नाभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी उसी विमान से। वानरों के लिए यह मनोरंजन था, जिसे जो मिला लूटा। विमान लंका से चला, उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे, मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से लाया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे, स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बंद। किष्किंधा रास्ते में था, वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा, सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने। आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर, उसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई। सीते देखो, यह गोदावरी नदी है, ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है, इसी के तट पर पंचवटी है। देखो हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर ली, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हो। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया, गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भरद्वाज का आश्रम था। विमान वहां उतरा, सबने रात वहीं बिताई, ऋषि का आग्रह था। राम उसे टाल नहीं सके, वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे, उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती, कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया। हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा,
हे वानर शिरोमणि, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि वह समाचार सुनकर उनके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभाले, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हो। मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की, उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहां से नंदीग्राम पहुंचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं, प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान को धन्यवाद दे रहे थे यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक भाव था, प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए राम के पास। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सब ने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगी। नगर को सजाया गया। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महलों में तीनों रानियों नंदीग्राम के लिए निकल पड़ी। कौशल्या सबसे आगे थी। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जय घोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजकाज चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरे पर प्रसन्नता थी, सबकी आंखें खुशी के आंसुओं से नम थी। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजसी वस्त्र पहनाए गए। जनसमूह राम की जय जयकार करता अयोध्या के लिए चला। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था, रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी। नगरवासी प्रसन्न थे, उन्हें उनके राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थी, उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे, राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं। भरत ने अयोध्या का राज राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुंचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा, इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था, दीपों से जगमगा रहा था, फूलों से सुवासित था, वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राजतिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी, मंगलाचार हुआ, शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया, प्रजाजनों को उपहार दिए, अनेक वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा, वे दुविधा में थी, किसे दे। दुविधा राम ने दूर की, जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक करके चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने आश्रम चले गए, हनुमान कहीं नहीं गए, राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक
अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था, सब सुखी थे। भेदभाव नहीं था, कोई बीमार नहीं था, खेत हरे भरे थे, पेड़ फलों से लदे थे। राम न्याय प्रिय थे, गुणों के सागर थे। उनका राज राम राज था, आज तक स्मृतियों में है। तो दोस्तों, यहाँ पर बालराम कथा का 12वां और आखिरी पाठ समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपने बालराम कथा के माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा जो आपके जीवनों में हमेशा कारगर होगा। इसी तरीके से हम आपके लिए रोचक और सीखने वाली अद्भुत कहानियां लेकर के आते रहेंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। राम राम।